ये जो आप देख सकते हैं हमारे सामने, ये फुल इलेक्ट्रिक स्कूटर है और ये हमारा एथर कंपनी का है। आज की इस वीडियोस पे मैं आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक एथर कंपनी का स्कूटर के बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूले, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ई रिक्शा एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हमारा एथर कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसमें आपको डबल स्टैंड देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पे सिंगल स्टैंड के जरिए ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो आप साइड पे खड़ा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की माइलेज, टॉप स्पीड एंड इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे जो ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी में मैं अभी आप लोगों को फुल डिटेल्स के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको डिश ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है ना उसमें आपको ज़्यादातर फ्रंट में डिश देखने को मिल जाता है, लेकिन पीछे का जो ब्रेक सिस्टम होता है ना, जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, वो आपका ड्रम देखने को मिलता है। ड्रम ब्रेक लग जाता है उस टाइम पे ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है ना वो अच्छा नहीं बना हुआ रहता, क्योंकि डिश ब्रेक का बात ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे में जो ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया है वो भी हमारा डिश ब्रेक का यूज किया गया है, जो कि काफी अच्छा साबित होता है। यहाँ पे 110 80 12 की टायर यूज किया है, जो कि अच्छा साबित होता है। और इस इलेक्ट्रिक एथर स्कूटी का जो साइड प्रोफाइल है वो आप देख सकते हैं, काफी कूल लग रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे पीछे आप स्प्रिंग का यूज किया है ये स्मूथली रन करने के लिए, यहाँ पे एक हैवी स्प्रिंग का यूज किया है जिसके जरिए आप स्पीड ब्रेकर हो या फिर गड्ढा वगैरह जो रास्ता खराब होता है उस जगह पे भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की आनंद ले सकते हैं काफ़ी आसानी से। और यहाँ पे अब पीछे जो बैठेगा उनके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पैर रखने का जगह दिया गया है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर करीब 2 साल हो गया है चलाया हुआ। आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो ओनर है उनसे भी बात कराएंगे, क्योंकि हमको जानना यह है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 2024 में खरीदना चाहिए या फिर नहीं, अगर खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए, फुल डिटेल्स के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यहां पे मैं आप लोगों को और भी बहुत कुछ दिखाने वाला हूं, जैसे कि यहां पे आप मीटर देख सकते हैं, ये फुल्ली टच स्क्रीन मीटर है और यहाँ पे ही आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है चार्जिंग सॉकेट, कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे एथर कंपनी का एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये जो एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना, इसका चार्जिंग पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं जो पेट्रोल पंप होता है वहाँ पे, और आज के डेट पे ये बिल्कुल फ्री में आपको चार्ज करने का सुविधा ये एथर कंपनी आपको दे रहा है। और ये एथर कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आपको कैसा लगा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो ओनर है अंकल जी से अभी मैं आप लोगों को बात कराता हूँ। अंकल जी सबसे पहले तो आपको नमस्ते, और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको कितना दिन हुआ खरीदे हुए? खरीदे 20 महीना हो गया है। तो आप लोगों ने सुना, ये अंकल ने ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है करीब 2 साल हो चुका है, मतलब 20 महीना से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में फुल डिटेल्स में आप लोगों को अंकल जी बताएगा। अंकल जी, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने के बाद आपको क्या लगता है, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हमारे व्यूअर्स लोग अभी देख रहे हैं आपका वीडियो, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए, वो पहले एक बार बता दीजिए ना। खरीदना चाहिए लोगों का फायदा के लिए, इसमें फायदा है, इससे मैंने की आदमी का मैंने इससे तेल वाला से इसमें थोड़ा सुविधा ज्यादा है आदमी को। अच्छा, सब सुविधा के बात अगर किया जाए तो अंकल जी आप एक बार हमारे व्यूअर्स लोगों को बता दीजिए, सुविधा के बाद जो बोले आपने, ये सुविधा किस टाइप का सुविधा है? तेल से इसमें खर्च कम आता है, तो इलेक्ट्रिक इसमें जो आपको 28 रुपए चार्ज में आपको 100 किलोमीटर चल रहा है। अच्छा अच्छा, इससे आपको गरीब आदमी को फायदा ज्यादा होता है। तो आप लोगों ने सुना, अंकल जी ने एकदम पूरा खुलासा कर दिए है, 28 रुपए में इसको फुल चार्ज कीजिए और 100+ आपको माइलेज मिलने वाला है। अगर आप जो पेट्रोल वाला
स्कूटी हो या फिर बाइक हो, अगर चलाते हैं तो जो लोग चलाते हैं उन लोगों को पता है कि पेट्रोल कितना डालना होता है, तो पेट्रोल का रेट कितना है आप कमेंट करके बता दीजिए। और यहाँ पे अंकल जी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर की फुल मतलब टॉप स्पीड कितना है वो एक बार बता दीजिए ना। 95 स्पीड में चलता है। 95 तो आप लोगों ने सुना है इसका? हाई स्पीड में। हाँ जी, हाई स्पीड 95 है। अच्छा, टॉप स्पीड 95 है। और इसमें कितना मूड दिया गया है अंकल जी, जो स्पीड का मूड होता है ना? इसमें सबसे लोएस्ट में 50 में चलता है, इको मूड है। इको मूड में आप लोगों ने सुना 50 की स्पीड में चलता है, और उसके बाद में मोड चार तीन मोड अलग है स्पीड बढ़ाने के लिए। अच्छा, इको हो जाते हैं, स्पोर्ट्स मूड हो जाते हैं, नॉर्मल मूड हो जाते, अलग अलग तरीके का मूड रहता है। अंकल जी मैंने इससे पहले और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का रिव्यू किया था जो कि ओला कंपनी का है, और मुझे लगता है ओला में जो आपका जो मोटर का यूज किया है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, ओला में आपको ब्रशलेस डीसी मोटर का यूज किया है, लेकिन यहाँ पे आपको एसी मोटर देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आप लोगों को नजदीक लेके दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा नजदीक लेके आइए। यहाँ पे जो ब्रेकिंग सिस्टम तो मैं आप लोगों को पहले से ही दिखाया हूँ कि फ्रंट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 110, 80 और 12 की टायर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफी हैवी माना जाता है। अंकल जी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे दो स्टैंड नहीं है, मतलब सिंगल स्टैंड पे ही ये इलेक्ट्रिक स्कूटर को बनाया है, क्या इसमें असुविधा बोल के कुछ होता है या ना? असुविधा नहीं, जब शोरूम में देते हैं हम लोग को कोई दिक्कत हो शोरूम वाला माने के हम लोग। अच्छा, तो आप लोगों ने सुना यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता। जो लोग सोचते हैं कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहिए या फिर नहीं, इसमें तो सिंगल स्टैंड लगा हुआ है, डबल स्टैंड होने से बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं धुलाई करने के टाइम पे। तो अंकल जी और एक बात बता दीजिए, ये आपने 2 साल करीब हो चुका है इलेक्ट्रिक खरीद स्कूटर को खरीदे हुए है, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने के बाद आपको सर्विसिंग या फिर आपका मेंटेनेंस जो खर्चा होता है वो कैसे? सर्विसिंग 3 साल का मैंने कंपनी का तरफ से फ्री है। फ्री है, उसमें कोई भी सामान वगैरह लग जाता है उसका वो कंपनी देते है कि? जो सामान का कंपनी का, जैसे मोटर्स हो गया। हाँ जी, टायर का तो कंपनी आपको गारंटी 1 साल का देता है। जी जी जी, मोटर उटर में अगर कोई तरह का गड़बड़ी होता है जी जी तो कंपनी खुद कर देता है। बाकी ब्रेक व्रेक का वो सब थोड़ा बहुत जो हो जाते हैं कंपनी दे देता है, वो कर लेता है। अभी तो कोई हमको पैसा इसमें गाड़ी में नहीं। अच्छा, तो आप लोगों ने सुना 2 साल से अंकल जी चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खर्चा बोले तो सिर्फ चार्ज देने के लिए जितना यूनिट आते हैं उस हिसाब से आपका खर्चा होता है। अंकल जी इसमें शायद लिथियम आयन बैटरी का यूज किया होगा। लिथियम आयन बैटरी को स्कूटर के में यूज किया है। बैटरी कहाँ पे देख सकते हैं क्या? यहाँ पे, पैर के यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये जो कंपोनेंट है ना, ये पैर रखने की जगह लेग स्पेस, तो यहाँ पे ही आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। इसका साइज भी बड़ा है, इसको खोल के दिखा सकते हैं क्या? तो अभी एक काम करते हैं, ये जो चलिए ये अंकल जी आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका पर्सनल सामान हो गया कुछ हो गया तो यहाँ पे आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। और अंकल जी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो ये जो मीटर है ये टच स्क्रीन है क्या? टच है, एक बार दिखा दीजिए ना हमारे व्यूअर्स लोगों को ऑन करके, तो देख सकते हैं कंप्लीट। अरे वाह, यहाँ पे गूगल नेविगेशन भी दिखा रहा है, इसमें मोबाइल फोन उन सब है इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी पेपर ऊपर सब रखा जाएगा आपका, कमाल के फीचर्स यहाँ पे दिया गए हैं, क्या ही बोले यार, एथर कंपनी को क्या ही बोले। यहाँ पे प्राइस की भी बात करेंगे, यहाँ पे टर्न ऑन ब्लूटूथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल नेविगेशन, आप कहीं पे भी जा रहे हैं गूगल पे सर्च करके मैप के द्वारा आप आसानी से आपके जो यहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। प्राइस कितना है वो एक बार हमको बता दीजिए ना यहाँ पे। इसका प्राइस है आपको कैश में 1,86,000 186,000 में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आप घर ले जा सकते हैं। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो खासियत है वो तो आपने यहाँ पे देख लिया, और यहाँ पे इधर नजदीक लेके आइए मैं आप लोगों को और एक चीज दिखाता हूँ। तो इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ओला कंपनी का जो मोटर होता है वो हमारा ये जो आप देख सकते हैं ना ये व्हील में ही लगा हुआ रहता है, जिसे ब्रशलेस डीसी मोटर बोला जाता है। लेकिन 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 यहाँ पे जो एथर कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना, इस पे आपको
एसी मोटर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ यहाँ पे लगा हुआ हमारा एसी मोटर है और एसी मोटर की जो पावर होता है ना वो डीसी ब्रशलेस जो डीसी मोटर होता है उसे काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो अंकल जी आपसे बात करके तो काफी अच्छा लगा है और आज के डेट पे ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर में ज्यादातर बड़ा बड़ा कंपनी जो है वो सब मतलब काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि टाटा कंपनी। जी हाँ, इंडिया में जो नामी नाम किया हुआ टाटा कंपनी है वो टाटा नेक्सन ईवी, टाटा नेक्सन ईवी मैक्स को लॉन्च कर दिए है हाल ही में। आप अगर वो वाला वीडियोस नहीं देखे, आई बटन पे दिए हुए वो वाला वीडियोस को आप देख सकते हैं, कंप्लीट फुल रिव्यू के साथ बताया हुआ हो। अंकल जी आप लास्ट में हमारे सब्सक्राइबर लोगों को और एक बात बता दीजिए, जो पेट्रोल स्कूटर होता है या फिर बाइक होता है उससे ज़्यादा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ठीक है, उसमें तो आपका पेट्रोल का खर्चा आ जाता है और इसमें भी आपको चार्ज करने का जो खर्चा वो तो आ ही जाता है, तो दोनों में से कौन सा आपके हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो चुका है क्योंकि आपने ये एथर कंपनी को 2 साल से चलाए हुए हैं। हम लोग को तो कम खर्चा में पेट मैंने कि आप इलेक्ट्रिक से अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, हाँ, अब जिसको पेट्रोल का अगर पसंद होता है ज़्यादा खर्चा में तो कोई चला सकता है, लेकिन हम लोग को कम खर्च के लिए ठीक है। तो आप लोगों ने सुना अंकल जी, मतलब क्या ही बोले यार, मतलब काफी अच्छा से आप देखे हैं इस वीडियो को, अगर कंप्लीट देखे हैं तो आपको पता चल ही गया है। आज के डेट पे मुझे भी लगता है कि आप पेट्रोल वाला वेरिएंट जो होता है उसको आप छोड़ के इलेक्ट्रिक में आ सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल का दाम इतना महंगाई में जा रहा है तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटर मुझे लगता है कि 2024 में आपको खरीदना चाहिए। तो इस तरीके का वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।